औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में प्रदेश स्तरीय फ्लैग मार्च के तहत आज डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी ने पीथमपुर सब डिवीजन में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की खास बात यह रही कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए और साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल सहित तीनों थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र के पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। वहीं सागर में डीआईजी शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह फ्लैग मार्च पुनर थाना सेक्टर आकर राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। वहीं डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश में शहर ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली को समझे, पुलिस प्रशासन के नजदीक आए। उसी उद्देश्य को लेकर आज प्रदेश में आज हर थाना क्षेत्र में एक साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी व थाने का बल भ्रमण कर रहा है। इस मार्च से अपराधियों के हौसले भी पस्त होंगे। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री लगातार पुलिस मैदान में उतरे और सक्रिय होकर आम जनों के प्रति एवं जो हमारे नागरिक हैं उनके प्रति संवेदनशील होकर लगातार पुलिस अपनी उनके बीच प्रेजेंस बनाए ताकि जनता के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़े और साथ ही साथ जनता के मन में पुलिस को लेकर उनके हौसला बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। इसी उद्देश्य से आज पीथमपुर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। इसमें पीथमपुर क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो भी मेरे साथ में हैं और ये लगातार हम लोग इसको करते हैं। थाना स्तर पर तो होता ही है, थाना प्रभारी करते हैं, हम लोग भी समय समय पर आके इस तरह से जनता के बीच जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और यदि उनकी कोई समस्या है, यदि उनके कोई विषय है तो उनके समाधान के भी हम लोग प्रयास करते हैं। आपका नाम? मैं चंद्रशेखर सोलंकी हूँ, डीआईजी ग्रामीण इंदौर। थैंक यू। जनता को विश्वास दिलाने एवं अपराधियों को संदेश देने कि हम कड़े हैं, इसके लिए हम लोग आज पीथमपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें श्रीमान डीआई साहब को और मेरे सागौर थाने में, बदनोर थाने में, घाटा बिचोट में और दिखा में सभी जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सिर्फ इसके लिए है कि अपराधियों को संदेश देना कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं और जनता के लिए नम्र हैं। तरुणेन्द्र सिंह बघेल, सीएसपी पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।